गुड मॉर्निंग हिमाचल, आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख घटनाओं पर। पारगिल चोटी को जीतने निकली आईटीबीपी, 22,000 से ज्यादा फीट ऊंची चोटी को जीतना आसान नहीं। किन्नौर में सीएम ने ऑनलाइन किए थे उद्घाटन, अब डीसी ने आगे बढ़ाई बात। इस बार हरितालिका तीज पर डबल उल्लास, शुभ मुहूर्त का सबने उठाया फायदा। सांभर का मांस और बंदूक बरामद, बंगाणा में महंगा पड़ा बारहसिंगा का शिकार। अरब समाचार विस्तार से। 17वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल रिकांगपियो ने पर्वतारोहण अभियान योद्धा 2020 को रवाना कर दिया है। यह टीम रिकांगपियो आईटीबीपी ग्राउंड से निकली है। इस दल को भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के उप महानिरीक्षक प्रेम सिंह ने हरी झंडी दिखाकर लियो पारगिल चोटी के लिए रवाना किया। 22,222 फुट ऊंची पारगिल चोटी को जीतने निकली टीम में 16 पर्वतारोही शामिल है। इसके अलावा 12 अन्य सदस्य इस दल को सहायता प्रदान करेंगे। मुख्य अतिथि उप महानिरीक्षक प्रेम सिंह ने पर्वतारोहण अभियान दल के लीडर उप सेनानी कुलदीप सिंह को तिरंगा व बल ध्वज प्रदान किया तथा पर्वतारोहण अभियान दल को शुभकामनाएं दी। गत दिनों मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किन्नौर में कई ऑनलाइन उद्घाटन किए थे। इस पर उपायुक्त किन्नौर गोपाल चंद ने 31,50,000 की लागत से बादंग में बने गौ सदन तथा कोपा में 62,77,000 से निर्मित ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र का विधि पूर्वक शुभारंभ कर दिया है। इस गौ सदन के आरंभ होने से कामरू, सांगला तथा आसपास के क्षेत्र के बेसहारा पशुधन को आश्रय मिलेगा। लंबे समय से क्षेत्रवासियों की मांग थी कि बादंग में गौ सदन बने ताकि बेसहारा पशुधन को आश्रय मिल सके। इस दौरान उपायुक्त ने कामरू पंचायत क्षेत्र के ही कुपा नामक स्थान पर ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र का भी शुभारंभ किया। हरितालिका तीज पर्व के शुभ मुहूर्त में होने पर हिमाचल में उद्यापन का दौर है। इसी कड़ी में पंचरुखी में भी सैकड़ों उद्यापन हुए। हरितालिका तीज का प्रसिद्ध व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। यहाँ कुंवारी लड़कियाँ यह व्रत इच्छित वर पाने की आशा लिए करती हैं। वहीं विवाहित स्त्रियाँ सुहाग की रक्षा व पति के सुख की कामना करती हैं। इस बार यह व्रत 21 अगस्त को मनाया गया। इस बार आलम ये रहा कि शायद ही कोई गांव हो जहां 5 से 10 उद्यापन ना हुए हों। जहां लोगों ने उद्यापनों में खाने पीने का आनंद लिया, वहीं पुरोहितों को इन उद्यापनों के लिए विशेष मशक्कत करनी पड़ी। ऊना जिला के बंगाणा में 6 लोगों को सांभर का शिकार करना महंगा पड़ गया है। इस मामले में सांभर के मांस के साथ लाइसेंसी बंदूक भी बरामद हुई है। कुल 6 लोगों पर केस दर्ज कर उन्हें दबोच लिया गया है। यह मामला रामगढ़ धार का है। बताते हैं कि रामगढ़ धार के रायपुर मैदान के जंगल में कुछ शिकारियों ने एक सांभर का अवैध शिकार किया था। इस पर गांव के एक व्यक्ति ने इसकी सूचना वन विभाग बंगाणा के रेंज ऑफिसर संदीप सेठी को दी। उन्होंने जिला ऊना डीएफओ मृत्युंजय माधव को दी। उन्होंने बंगाणा रेंज ऑफिसर संदीप सेठी के साथ एक टीम बनाई। इस टीम ने मौके पर जाकर 4 घरों से सांभर का मांस भी बरामद किया है। बंगाणा थाना प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। सोलन को नगर निगम बनाने के फैसले से किसान नाखुश दिखाई दे रहे हैं। पंचायत सेरी के किसानों का कहना है कि नगर निगम बनने से उन्हें कोई मुनाफा नहीं होगा। उनका कहना है कि उनकी आजीविका खेती पर ही निर्भर है। उन्हें पंचायत से सरकार के विभिन्न योजनाओं के तहत काफी फायदा मिला है, लेकिन सोलन के नगर निगम बनने से वे इन योजनाओं से वंचित हो जाएंगे। साथ ही टैक्स का भार भी किसान नहीं सह पाएंगे। किसानों द्वारा अपनी बात ग्राम पंचायत सेरी के उपप्रधान तक पहुँचाई गयी है। उपप्रधान ने बताया कि उन तक विभिन्न गाँव के किसानों के सुझाव आए हैं कि सोलन को नगर निगम ना बनाया जाए। व्यक्तिगत तौर पर वे भी यही चाहते हैं कि जिन स्थानों पर कृषि होती है उन्हें नगर निगम में शामिल नहीं करना चाहिए। मैं हिमांशु ठाकुर, ग्राम पंचायत सीरी। हम नगर निगम में आने का विरोध करते हैं। हमें गांव में सारी फैसिलिटियां मिलती है तथा हमें नगर निगम में आके कोई फायदा नहीं होगा। ऊपर से हम पे टैक्सेस थोपे जाएंगे जो हम नहीं दे सकते। हम किसान वर्ग है, हम खेती बाड़ी करके ही खुश है, तो हम नगर निगम में आने का विरोध करते हैं। अगर फिर भी हमें नगर निगम में ले आ गया तो हम इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे। मैं रोशन लाल बोल रहा हूँ। हमारे को नगर निगम में कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे को गांव में जो है, हमारा जो सारा जीवन है वो सिर्फ जिम्मेदारी पे या पशुपालन से है। अब वहाँ पर तो टैक्स लगेगा, हमारे से क्या मिलेगा। आबादी वाली जगह तो ठीक है, हमारी आबादी भी नहीं है इतनी कि भाई हमारे को जरूरी नगर निगम में लिया जाए, और ना हमारे कोई बाहर से हैं ऐसे।
हमारे गांव में हमारे होंगे तकरीबन 100-150 के आसपास, वो भी पूरे एरिए में। अब ये 150 बीघे से ज़्यादा ज़मीन है, अगर इसमें अगर गांव के ही लोग रहते हैं तो मतलब गांव के उसमें निर्भर है जिम्मेदारी पे ही। अब शहर में जाके हमारे को क्या फ़ायदा है, अब होगी तो वो तो हमारे वैसे ही है, सड़कें हमने खुद बना रखी।